ओसीडी आज का टॉपिक है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अ मेंटल इलनेस दैट कॉजेस रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स और सेंसेशंस और द अर्ज टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ये इसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बीमारी आमतौर से हमारे समाज में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये साइकोलॉजी से भी है, बायोलॉजी से भी है, इसीलिए मैंने इसको बताने की कोशिश किया। और मेंटल इलनेस दैट कॉजेज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, यानी दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल पैदा होता है, और सेंसेशन और द अर्ज टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ये बीमारी ज्यादातर औरतों में पाई जाती है। जैसे एक सिंपल, कोई अननोन पर्सन घर आ गया तो उसके जाने के फौरन बाद वो तुरंत उसमें झाड़ू लगाती है या उसको पानी से धोती है, या वो टॉयलेट से निकलती है तो उसके दिमाग में थॉट आ जाता है कि शायद छींटा पड़ गया या मैंने पानी नहीं खर्च किया। इस तरह के अनवांटेड थॉट्स, और किसी भी चीज को वो बार बार करने के लिए सोचेगा, इसी को हम ओसीडी कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, ए मेंटल इलनेस दैट कॉजेस रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स। रिपीटेड मतलब बार बार उसके दिमाग में आएगा, और सेंसेशंस और द अर्ज दैट अर्ज टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस तरह से इस बीमारी का दो पार्ट्स हुआ, एक हुआ ऑब्सेशन, एक हुआ कंपल्सन्स। पहले उसके अंदर सेंसेशन पैदा हुआ, थॉट्स वो आया, जैसे वही आदमी का मैंने एक एग्जांपल दिया, वो आया उसके पैर में पता नहीं क्या लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था, ये था वो था। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ऑब्सेशंस थॉट्स। अब उसको दूर करने के लिए वो उसके दिमाग में बात आया कि ओहो, इसको दो तीन बार धो देना चाहिए। अब उसमें पानी लाल करके वो एक बार धोया, उससे फिर उनको तसल्ली नहीं हुई, दूसरी बार धोया, फिर उसे तसल्ली नहीं हुई, उसको तीसरी बार धोया। तो ये था कंपल्सन। सिम्टम एंड टाइप्स, चेकिंग, कंटेमिनेशन, सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग, रुमिनेशन एंड इंट्रूसिव थॉट्स, ये चार हैं। चेक करते हैं, जैसे वो आदमी जैसे चला गया तो देखेगा कि कहीं उसके पैर में कुछ था, घर में लग तो नहीं गया, ये हो गया चेकिंग। या ताला खुला तो नहीं रह गया, उसको जाके चेक करेंगे, ये हो गया चेकिंग। कंटेमिनेशन, उसके आने की वजह से अब उसके दिमाग में बात आ गई, ओहो इसे इन्फेक्शन हो सकता है। फिर वो चीजों को एक ऑर्डर अपने तरीके से, मान लिया उसका कोई ऑर्डर उसको सजा दिया किसी ने, वो उसको पसंद नहीं है, उसको फिर वो दोबारा करेगी, अपने ढंग से वो उसको सजाएगी। तो ये चार चीजें हैं इसकी बीमारी की। ये बीमारी आजकल कॉमन है, इसीलिए मैंने लेने की कोशिश किया है। ओसीडी मोर कॉमन इन वोमेन, मैंने वैसे ही बता दिया, ज्यादा तो औरतों में पाया था। रिस्क फैक्टर, इससे डिप्रेशन पैदा होता है उसके अंदर, एंग्जाइटी, दुखी होती है, ए हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज ऑफ ए चाइल्ड, यानी इससे डिप्रेशन यानी वो सोचने समझने में आ जाता है, एंग्जाइटी उसको दुख ज्यादा होता है, और ए हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज ऑफ ए चाइल्ड। तो इस तरह से जब इस तरह के अनवांटेड थॉट्स आते हैं तो सोचते सोचते वो कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है। ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी, उसको पास में रखना, समझाना बुझाना, रिलैक्सेशन उसको आराम करने के लिए देना, मेडिकेशन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन्स ये सब दिया जाता है, इसके दवाई दी जाती है, न्यूरो मॉड्यूलेशंस और उसके दिमाग को मतलब वो चीजों को उसके सामने किया जाता है ताकि उसके अंदर वो दिमाग पैदा वो पैदा हो, थॉट पैदा हो, फिर थॉट के बाद वो काम वो करने की कोशिश करे। इस तरह से धीरे 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 उसका दूर हो जाता है। कंडीशन सिमिलर टू ओसीडी, यानी ओसीडी के
समान, ये सब चीजें हैं जो बॉडी में होता है और बाद में वो ओसीडी में बदल जाता है। होर्डिंग डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक होती है कि उसको कलेक्ट करके एक डिफरेंट ऑर्डर में सजाना। ट्राइकोटिलोमेनिया, ये भी एक बीमारी है, इसको अगर हम खींचेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी रिफ्रेंसेस सिंड्रोम, यानी महक बॉडी के, और फिजिकल इलनेस बीमारी, ये सब वजह से ये सब ऐसा कंडीशन है जो धीरे धीरे इंसान को ओसीडी के करीब ले जाता है। ये एक नई चीज है और मैं मुनासिब समझा यहाँ पर डालना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।